यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। युद्ध के चलते हुए एक महीने से ज्यादा बीत चुका है और सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हुआ। इस बीच यूएन ने बड़ा दावा किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक करीब 45 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें 90% से ज्यादा बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल है। तो वहीं देश में ही करीब 70% जो लोग हैं, 70 लाख लोग जो हैं, वो विस्थापित हुए हैं। और इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। रूसी सेना ने जंग के पहले ही दिन चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था और करीब एक महीने तक रूसी सैनिक वहां जमे रहे, लेकिन इतने दिनों तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए रखने के बाद कुछ दिनों पहले ही रूस की सेना वहां से भाग खड़ी हुई, जिसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने वहां की लैब से खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ चुरा लिए। यूक्रेन ने बताया कि रूस के सैनिक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिसर्च बेस में गए और उन्होंने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थ उठा लिए और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से जाते वक्त वो उसे अपने साथ ले गए, जो कि रूस के सैनिकों के साथ कई दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थों के संपर्क में आने के बाद इंसान एक धीमी मौत की तरफ बढ़ने लगता है। और चेर्नोबिल पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक महीने तक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले रूस के सैनिकों के पास सिर्फ एक साल ही बचा है, यानी वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस का हर सैनिक अपने साथ अपने घर एक चेर्नोबिल लेकर जा रहा है, चाहे वो जिंदा जाए या फिर मरने के बाद। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने हैरानी जताई कि आखिर रूस की सेना रेडिएशन के खतरे से इतनी अनजान कैसे रही, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर करीब एक महीने तक कब्जा जमाए रखा जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा था। और इसी खतरे की चपेट में आकर रूस की सेना के कई सैनिकों के बीमार होने की भी खबर सामने आई। साथ ही ये आशंका भी जताई गई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में रहने के दौरान उन्होंने रेडियो एक्टिव धूल उड़ाई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए ये दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जे के बाद वहां अपने हथियार और सैन्य उपकरण लगाने के लिए कई गड्ढे खोदे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये गड्ढे परमाणु प्लांट के उस हिस्से में दिखाई दिए जिसे रेड फॉरेस्ट कहा जाता है। रेड फॉरेस्ट यानी प्लांट की वो जगह जहां रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि चेर्नोबिल से निकले रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव धूल को कीव समेत कई और इलाकों में फैला दिया, जिससे यूक्रेन के लोगों पर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा। यूक्रेन के स्टेट एजेंसी ने रूस पर बड़ा दावा किया है। इस स्टेट एजेंसी ने कहा कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रूसी सैनिकों ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को चुरा लिया, जिसका वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था और करीब एक महीने तक इस प्लांट पर रूस का कब्जा रहा था और इस दौरान रूसी सेना ने 133 रेडियो एक्टिव पदार्थों पर कब्जा कर लिया। स्टेट एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना ने प्रयोगशालाओं में तोड़फोड़ भी की थी। तो यूक्रेन रूस के बीच 47 दिनों से जंग जारी है। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई, तो वहीं यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं। यूक्रेन सेना ने रूसी सेना के एक आधुनिक T-72 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो रूसी टैंक से गोलाबारी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो रूसी टैंक पर कब्जा करने का ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है और इन वीडियो के जरिए यूक्रेन संदेश दे रहा है कि देखिए किस तरह से हम रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो रहे हैं। बड़ी तेजी